पूरे शिक्षा जगत के लिए। आज 11 नवंबर है, 11 नवंबर का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले आज प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। आप जानते होंगे 11 नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास भारत सरकार द्वारा यह प्रति वर्ष 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है, इसमें आप जानते होंगे, राष्ट्र शिक्षा दिवस हमारे प्रमुख विद्वान, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार और राजनीति की स्वतंत्रता सेनानी विद्वान मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब देश के देश में हुआ था। वे एक विद्वान शिक्षाविद थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम किए। उनका वे ही पहले शख्स थे जिन्होंने भारत से पाकिस्तान अलग होने वाले बात पर उन्होंने कहा था कि भारत से पाकिस्तान को अलग नहीं होना चाहिए। वे मुस्लिम होते हुए भी अच्छी चीज को बोलते थे और देश हित में काम किए। तो आज का दिन हम सभी विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए, समाज सेवकों के लिए बहुत खास है। आप सभी शिक्षकगण, हमारे विद्यार्थीगण सब जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में ज्योति प्रकाश लाता है। पर इस शिक्षा ऐसा चीज है जिसके बल पर आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, शिक्षा भी बन सकते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सकते हैं। इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप रेगुलर स्कूल आइए और स्कूल की शिक्षा को प्राप्त कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने जीवन को चैतन्यवान बनाइए, मूल्यवान बनाइए। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बहुत बड़े देशभक्त थे, उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। आपको भी देश प्रेम होना चाहिए, हमें भी आपस में देश प्रेम की भावना होना चाहिए। आप सब जानते हैं हमारा देश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 1947 के बाद से लेकर के लगभग 12 वर्षों तक हुए हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और शिक्षा के क्षेत्र में देश का विकास किए। तो भारत सरकार का भी बहुत सा ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिसके बल पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, बना सकते हैं। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार आपके जीवन को बदल सकती है। आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कहा गया है थिंक पॉजिटिव। जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और मेहनत करने का कौशल मेहनत करने से होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप हर चीज को, बड़े बड़े महान लोगों को देखिए, उन्होंने कितना त्याग किया, कितना परिश्रम किया, तब वे जीवन में सफल हुए। आपको भी कहा गया है योर फ्यूचर इन योर हैंड, आपका भविष्य आपके हाथ में। जैसे मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, उसी तरह आपका भविष्य आपके हाथ में। इसके लिए आप बहुत मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हमेशा फोकस रखिए पढ़ाई पर। पढ़ाई के बल पर ही आप बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। आप बिहार में देखिए, एक से एक आईएएस ऑफिसर लड़कियां बन रही है, लड़के भी बन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिए पढ़ाई के प्रति। सोशल मीडिया में मोबाइल का कम यूज कीजिए, लेकिन ज्यादा ध्यान पढ़ाई में रखिए, तब आप उनकी तरह आप भी कुछ कर सकते हैं। बड़े लोगों से प्रेरणा होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, घर में माता पिता का बात को सुनिए, बड़े का आदर कीजिए। और जो विद्यार्थी मैट्रिक के हैं, जो बिहार बोर्ड 2022 से 23 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वैसे विद्यार्थी को ज्यादा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। आपके माता पिता का क्या सपना होता है कि मेरे बच्चे अच्छा बने, चैतन्यवान बने, गुणवान बने, विद्वान बने, कोई बड़ी नौकरी प्राप्त करे। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य होता है अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना, चैतन्यवान बनना, ठीक है। तो हम सभी महान शिक्षाविद की तरह, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरह अच्छे देशभक्त बने, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारें, उनके कर्तव्य को अनुसार शिक्षकों को चलना चाहिए। बिहार सरकार का भी ये कार्यक्रम होता है, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान फोकस करती है, उस पर लाखों नहीं अरबों रुपया शिक्षा पर खर्च कर रही है, जिससे हमारे बिहार की शिक्षा बहुत आगे बढ़े। शिक्षक भी मन लगा के पढ़ाई करवाते हैं, बच्चे का चरित्र को बनाने में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो प्यारे बच्चे आप स्कूल रेगुलर आइए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिसके बल पर आप जीवन को बदल सकते हैं, आप अफसर बन सकते हैं। अधिक से अधिक शिक्षा पर आज का दिन पूरे देश में थैंक यू सर, थैंक यू हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, हमारे सीनियर टीचर्स और विद्वान शिक्षक और हमारी शिक्षिका रेणु मैडम और सभी विद्यालय की ओर से जो मेंबर्स हैं, हमारे प्यारे स्मार्ट स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉय, हंसते मुस्कुराते रहिए और शिक्षा की ज्योति को आप समाज में फैलाते रहिए। एक थैंक यू वेरी मच।